वायरल हो रहे मौसम विभाग के लेटर की गोरखपुर न्यूज ने की पड़ताल, 5 मई को नहीं आने वाली है कोई भी बड़ी प्राकृतिक आपदा। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने भूमि विवादों के निस्तारण के लिए संचालित श्रावस्ती मॉडल के तहत अभियानों का किया निरीक्षण। मौके पर अवैध अतिक्रमण को देखा तो इसे हटाने के लिए अधिकारी को किया प्रोत्साहित। पिपरौली ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों में माध्यान्ह भोजन न बनने पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने एबीएसए पिपरौली के विरुद्ध कार्रवाई करने का दिया निर्देश। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने जनपद में सिटी बस चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर की चर्चा। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के बरगदवा में मोबाइल की दुकान से चोरों ने उड़ाए 5 लाख के मोबाइल, तफ्तीश में जुटी पुलिस। बरसात के दौरान महानगर में जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने किया सभी रेगुलेटरों का निरीक्षण, 15 जून से पहले तैयारी पूरी करने के दिए निर्देश। सेना नायक 26वीं वाहिनी हेमराज मीना ने पीएससी परिसर में पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के बाद व्यायामशाला का फीता काटकर किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश सौपित पोषित स्वतंत्र विद्यालय अध्यादेश 2018 के अनुसार मंडलायुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में मंडलीय शुल्क निर्णायक 7 सदस्यीय समिति का हुआ गठन। नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल 6 मई को आएंगे गोरखपुर, परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। पूर्वोत्तर रेलवे मना रहा है विद्युत संरक्षण सप्ताह, प्रोजेक्टर के माध्यम से दी गई ऊर्जा संरक्षण की जानकारी। लोको पायलट और गार्ड को दिए जाने वाले ट्रॉली बैग का किया नरमू ने विरोध, कहा ट्रॉली बैग से हो रही असुविधा। महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व महानगर अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी इरशाद हुसैन को पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। विविध कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ राजकीय बौद्ध संग्रहालय का दूसरा स्थापना दिवस। और पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर के 20वीं अंतरवाहिनी पीएससी मध्य जोन जूडो, जन्माष्टमी, ताइक्वांडो और वसु प्रतियोगिता का किया शुभारंभ।